बेरोजगार आदमी हूँ, मैं बेरोजगार आदमी, मेरे को चिंता नहीं है। आलू टमाटर 150 रुपए किलो हो जाए बेशक। मोदी 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 वाली लहरें आई, पाकिस्तान को धूल चटाई। हमें हिंदुस्तान से मतलब है। अबे भोसड़ी वाले तुम कह रहे हो पाकिस्तान है पाकिस्तान, अबे इतने छोटे से देश से तुम्हारी गांड फट रही है। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। चूतिए क्या बोले मैं समझा नहीं। चूतिए चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। गजब बेइज्जती है। काम की पूछ रहे हो, कश्मीर में कितने साल हो गए, कब तक धारा नहीं हटी, कितनी सरकारें बदली? अच्छा, अभी तक धारा हटी 370 धारा हटी। ये हो गया राम मंदिर पर कितने दिनों से विवाद चला। जब भी चुनाव होता था राम मंदिर पर विवाद चलता था कि राम मंदिर बनेगा, वो विवाद खत्म हो गया। वो है ना, और काम इतने काम हुए, किसानों के लोन माफ हुए, मेरा खुद लोन माफ हुआ 1 लाख रुपए। अरे तू हिंदुस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान में ऐसे तैसे मरवा रहा है। बेटा जब हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदुस्तान का खा रहा था, पहले हिंदुस्तान के लिए सोच। बाहर के बहुत के साथ सुन, बाहर के कंट्री वाले सुन, हिंदुस्तान के बाहर के कंट्री वाले से हमें क्या मतलब है। बाहर के कंट्री में कुछ भी होते रहो, हमें तो अपने हिंदुस्तान से मतलब है। हमारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं होना चाहिए। बाहर के देशों में कुछ भी होता रहो, वहाँ से क्या मतलब। हम यहाँ के अनाज यहाँ के खाते सर, यहाँ पे रहते हम, हमें हिंदुस्तान से मतलब है। हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान और फलाने तान से क्या मतलब है। क्या बढ़िया था गुरु। अबे अफगानिस्तान वाले झेले, पाकिस्तान वाले झेले। हमें हिंदुस्तान से मतलब है। अबे भोसड़ी वाले तुम कह रहे हो पाकिस्तान है पाकिस्तान, अबे इतने छोटे से देश से तुम्हारी गांड फट रही है। इतने बड़े देश है हिंदुस्तान, इतने से छोटे से देश से गांड फटी तुम्हारे पाकिस्तान से। विकास हो रहा, आप क्या कहते हैं। अबे जानू के राम मंदिर क्या, राम मंदिर पे क्या क्या भोसड़ी के थाली लेके बैठोगे भीख मांगने के लिए। भगवान है, जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा ना होगा तो राम मंदिर पे क्या गांड मरवा। राम जी ने वनवास क्यों छोड़ा था, वनवास क्यों गया था, क्यों छोड़ा था उन्हें अयोध्या, इसलिए तो छोड़ा था जनता के लिए। एक ही डाकू ऐसा है कि जनता को मार रहा है अपने गद्दी के लिए। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। है राम मंदिर में जब ही तो जाएंगे हम पूजा करने, जब हम जिंदी होंगे, जब जिएंगे, जब मर जाएंगे तो राम मंदिर पे कौन जाएगा पूजा करने के लिए। है मंदिर भी तो जब ही है जब इंसान है, जब इंसान है तो मंदिर में कौन कुत्ते बिल्ली पूजा करेंगे जाके। है या मंदिर में क्या सुअर जाएगा। चलो बस करो यार, ये गेम बंद कर दो। हमें अगर जो मोदी की सरकार ना होती यहाँ पे तो अफगानिस्तान की तरह होता यहाँ पे भी, है ना। नंबर फर्स्ट बात, अगर जो कोई भी बंदा, मैं चैलेंज करता हूँ। चुप कर कुत्ते। अगर जो ये लड़ाई भी लड़वाता है ना कहीं भी, अगर हिंदू मुस्लिम भी होते तो वहाँ सिर्फ भैया हिंदू मरते और मुसलमान मरते। नेता का कोई बच्चा नहीं मरता, नेता कोई नहीं मरता है। नेता के बच्चे विदेश जाते हैं, विदेश भगा देता है नेता अपने बच्चों को, विदेश पहुंचा देता है, अमरीका, लंदन, ऐसे जगह पे पहुंचा देता है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़वाता है, हिंदू मुस्लिम को मरवाता है। बच्चे मरते हिंदू मुस्लिम के, नेताओं के नहीं मरता। नंबर फर्स्ट बात सुनो, ये चूतिया बोल रही है। भगवान क्या हमसे दूध मांगता है, भगवान क्या हमसे पैसे मांगता है, भगवान के ऊपर सिर्फ फूल चढ़ाना जायज है। भगवान सिर्फ फूल मांगता है हमसे कि हमारे पूजा करो सिर्फ फूल से, हमारे आगे हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो हमारा। वो ये नहीं कहता कि मुझे दौलत दो, मुझे दूध दो, मुझे सोना चढ़ाओ, मुझे चांदी चढ़ाओ। उन्हें क्या जिन चीज़ों की जरूरत है, उन्हें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। मंदिर जो है ना, मंदिर उसने बनवाया, उसने मंदिर इसलिए ना बनवाया हिंदुओं के लिए। मंदिर तो सिर्फ वो इसलिए बनवा रखे अपने कुर्सी के लिए। मंदिर का सिर्फ ड्रामा है, मंदिर का सिर्फ ड्रामा है, सिर्फ दलाली है मंदिर का। अरे मंदिर में जब पब्लिक मरे, मोदी क्यों ना मैं हिंदुस्तान गया, मोदी क्यों ना मरा वहाँ पे जाकर, मोदी क्यों ना डंडा लेके गया, योगी क्यों ना डंडा लेके गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपको क्या लगता है, महंगाई है कि नहीं? किस चीज की मांग,
पेट्रोल की पेट्रोल महंगे पेट्रोल की पेप्सी और दारू के लिए लोग दारू के लिए क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाते। 150 रुपए का पौआ मिल रहा है उसको क्यों पीते हैं। पेट्रोल में अपने अरे पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग ऑब्जेक्शन उठाने लगे। मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, 4 पहिया गाड़ी चल रहे हैं, फॉर्चूनर से चल रहे हैं जिसका 90,000 रुपए का 1 साल का बीमा होता है उसके लिए तो नहीं आज तक ऑब्जेक्शन उठाया। राकेश टिकैत 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में चलता है जिसका गरीब लोग है 10 करोड़ की खरीद रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ ऐसा सभी नेता गाड़ी में चल रहे हैं महंगी। क्या लगता है सपा अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, मोदी सरकार योगी सरकार मुर्दाबाद, चौहानों में फुक जाए, शमशान घाटों में फुक जाए, जिनसे पहले जाके बीजेपी वाले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चल चूटा चूतिए क्या बोले मैं समझा नहीं। सुन क्या चूतिए चूतिया नहीं लग रहा है चटक चूतिया लग रहा है। गजब बेइज्जती है। काम काम की पूछ रहे हो कश्मीर में कितने साल हो गए कब तक धारा नहीं हटी, कितनी सरकारें बदली। अच्छा अभी तक धारा हटी 370 धारा हटी। ये हो गया राम मंदिर पर कितने दिनों से विवाद चला। जब भी चुनाव होता था राम मंदिर पर विवाद चलता था कि राम मंदिर बनेगा, वो काम वो विवाद खत्म हो गया वो है ना। और काम इतने काम हुए, किसानों के लोन माफ हुए, मेरा खुद लोन माफ हुआ 1 लाख रुपए। अरे तू हिंदुस्तान में रह रहा, पाकिस्तान में रह रहा, पाकिस्तान में ऐसे तैसे मरवा रहा। बेटा जब हिंदुस्तान में रह रहा हिंदुस्तान का खा रहा था, पहले हिंदुस्तान के लिए सोच। बाहर के तो बाहर के बहुत के साथ सुन, बाहर के कंट्री वाले सुन, हिंदुस्तान के बाहर के कंट्री वाले से हमें क्या मतलब है। बाहर के कंट्री में कुछ भी होते रहो, हमें क्या, हमें तो अपने हिंदुस्तान से मतलब है। हमारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं होना चाहिए। बाहर के देशों में कुछ भी होता रहो, वहाँ से क्या मतलब। हम यहाँ के अनाज यहाँ के खाते सर, यहाँ पे रहते हम, हमें हिंदुस्तान से मतलब है। हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान और फलाने तान से क्या मतलब है। ये बढ़िया था गुरु। अभी अफगानिस्तान वाले झेले, पाकिस्तान वाले झेले, हमें हिंदुस्तान से मतलब है। अबे भोसड़ी वाले तुम कह रहे हो पाकिस्तान है पाकिस्तान, अबे इतने छोटे से देश से तुम्हारी गांड फट रही है। इतने बड़े देश है हिंदुस्तान, इतने से छोटे से देश से गांड फटी तुम्हारे पाकिस्तान से। विकास हो रहा, आप क्या कहते हैं। अबे जानू के राम मंदिर, राम मंदिर क्या है। राम मंदिर पे क्या क्या भोसड़ी के थाली लेके बैठोगे भीख मांगने के लिए। भगवान है, जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा ना होगा तो राम मंदिर पे क्या गांड मरवा। राम जी ने वनवास क्यों छोड़ा था, वनवास क्यों गया था, क्यों छोड़ा था उन्हें अयोध्या, इसलिए तो छोड़ा था जनता के लिए। एक यू डाकू ऐसा है कि जनता को मार रहा है अपने गद्दी के लिए। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। है राम मंदिर में जब ही तो जाएंगे हम पूजा करने, जब हम जिंदी होंगे, जब जिएंगे, जब मर जाएंगे तो राम मंदिर पे कौन जाएगा पूजा करने के लिए। है मंदिर भी तो जब ही है जब इंसान है, जब इंसान है तो मंदिर में कौन कुत्ते बिल्ली पूजा करेंगे जाके। है या मंदिर में क्या सुअर जाएगा। चलो बस करो यार, ये बंद कर दो। हमें अगर जो मोदी की सरकार ना होती यहाँ पे तो अफगानिस्तान की तरह होता यहाँ पे भी है ना। नंबर फर्स्ट बात, अगर जो कोई भी बंदा, मैं चैलेंज करता हूँ। चुप कर कुत्ते। अगर जो ये लड़ाई भी लड़वाता है ना कहीं भी, अगर हिंदू मुस्लिम भी होते तो वहाँ सिर्फ भैया हिंदू मरते और मुसलमान मरते। नेता का कोई बच्चा नहीं मरता, नेता कोई नहीं मरता है। नेता के बच्चे विदेश जाते हैं, विदेश भगा देता है नेता अपने बच्चों को, विदेश पहुंचा देता है, अमरीका, लंदन ऐसे जगह पे पहुंचा देता है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़वाता है, हिंदू मुस्लिम को मरवाता है। बच्चे मरते हिंदू मुस्लिम के, नेताओं के नहीं मरता है। नंबर फर्स्ट बात सुनो, ये चूतिया बोल रही है। भगवान क्या हमसे दूध मांगता है, भगवान क्या हमसे पैसे मांगता है, भगवान के ऊपर सिर्फ फूल चढ़ाना जायज है। भगवान सिर्फ फूल मांगता है हमसे कि हमारे पूजा करो सिर्फ फूल से, हमारा आगे हाथ जोड़ो प्रार्थना करो हमारा। वो ये नहीं कहता कि मुझे दौलत दो, मुझे दूध दो, मुझे सोना चढ़ाओ, मुझे चांदी चढ़ाओ। उनके उन्हें क्या जिन चीज़ों की जरूरत है, उन्हें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। मंदिर जो है ना, मंदिर उसने बनवाया, उसने मंदिर इसलिए ना बनवाया हिंदुओं के लिए। मंदिर तो सिर्फ वो इसलिए बनवा रखे अपने कुर्सी के लिए, मंदिर का सिर्फ भाषा ड्रामा है।
मंदिर का सिर्फ ड्रामा है, बन तो पाया ही सिर्फ दलाली है मंदिर का। अरे मंदिर में जब पब्लिक मरे, मोदी क्यों ना मेहनत आने गया, मोदी क्यों ना मरा वहाँ पे जाकर, मोदी क्यों ना डंडा लेके गया, योगी क्यों ना डंडा लेके गया, ज्यादा हो गया ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपको क्या लगता महंगाई है कि नहीं? किस चीज की मांग? पेट्रोल की, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल की, पेप्सी और दारू के लिए लोग दारू के लिए क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाते? 150 रुपए का पौआ मिल रहा है उसको क्यों पीते हैं? पेट्रोल में अपने, अरे पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग ऑब्जेक्शन उठाने लगे। मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, 4 रुपए गाड़ी चल रहे हैं, फॉर्चूनर से चल रहे हैं जिसका 90,000 रुपए का एक साल का बीमा होता है, उसके लिए तो नहीं आज तक ऑब्जेक्शन उठाया। राकेश जी कहते 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में चलता है जिसका, गरीब लोग है 10 करोड़ खरीद रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा सभी नेता गाड़ी में चल रहे हैं। क्या लगता है अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, मोदी सरकार योगी सरकार मुर्दाबाद, चौहानों में फुक जाए, शमशान घाटों में फुक जाए, जिनसे पहले जाके बीजेपी वाले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। चल झूठा।